झारखंड के सिद्धू मूसे वाले के एक फैन का मोटरसाइकिल रोकया जाता जिस पुलिस वाले वालों वह मोटरसाइकिल रोकया जाता है तो उस पुलिस वाले वालों सिद्धू मूसे वाले अत्तवादी कह के बुलाया जाता है जिदे चलते वो पिता बलकौर सिंह का गुस्सा जाहिर होया। उन्होंने अपने पेज के उत्ते एक वीडियो शेयर की है, उन्होंने कहा कि पुलिस वाला चंगी तरह मेरे पुत्र को पहचानता सी फिर भी उसने मेरे पुत्र को अत्तवादी कहा जो कि उसके लिए एक माड़ी गल है, उन्होंने अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, एक जिम्मेवार बंदा पुलिस वाला। उन्होंने कहा कि कोई सोशल मीडिया पेज चला रहे ने कई समाज के विच जो कि आप फेम खट्टन वास्ते सिद्धू दीआं फोटोआं जोड़ के उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे ने। होर की कुछ क्या थोनों भी सुनाने पर माड़ी गल है जी, गल उन्होंने बोली है भी वो फोटो नू भी पहचानते हैं तो उन्होंने पता भी है भी सिद्धू मूसेवाला है कौन है, पर उसके बावजूद भी वह आतंकवादी संबोधन करे। मैंने बहुत बुरा लग्या गल सुन के भी इस तरह नहीं होना चाहिए थी कि जिम्मेवार पुलिस अधिकारी है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पहचानना चाहिए। असला हथियार मोहाली तो फड़े जाते हैं पर नाल शुभदीप की फोटो दे दी जाती है वो मबीहा गैंग के नाल की हूँ वह मरण तो बाद भी मबीहा गैंग गैंग काम कर रहे हैं थोड़ी बहुत ही तो जिम्मेवारी तो कम लोग एक जिम्मेवार चैनल चलाने समाज में सीध दें तो दिखाई गई खबर का कि सीधे जा सीधे रूप के समाज के उत्ते असर पैदा है तो खबर देने तो पहला घट्टो घट्ट वो सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। हर एक चीज़ के नाल ही सिद्धू की फोटो मढ़ देना ये कितों तक जायज़ है, कदे कोई पुलिस अधिकारी बोल रहा है कदे कोई चैनल अपनी खबर में चलाने के खातर टी आर पी की खातर ही सिद्धू फोटो वो ला रहा है, इन्हों गलों तो बहुत मन दुखी होंगे परिवार को। ऑलरेडी मैं तो एस एस पी साहब गल ध्यान लिया है तो मैं उम्मीद करना साहब करे कोई ना कोई कार्रवाई तो वह नंबर भी देता है अपना चैनल का पछतावा करते एक अंकल जिम्मे सिद्धू दी फोटो लगाउंदे आ नौजवान मोटरसाइकिल दे गड्डियां ते उन्हूं लैके कुछ सुनिया भी चर्चा दे विच भी चलान वगैरह कीते जा रहे किते। मैनूं एक दो मुंडिया दे आए ने मैसेज साडे ग्रुप वाले ने एक दो मुंडे होर ओह कहिंदे वी अंकल जदों असीं चंडीगढ़ जांदे आ उत्थे सानूं फोटो करके रोकिया जांदा पर जां तां हुण मैनूं इह नहीं पता वी आपां नूं इहदी गाइडलाइन की ने हैना तो मैं तो यही कहना भाई जे लाउंदे आ तां फिर तुसीं थोड़ा जिहा जिस तरह कहिंदे उस तरह कर लवो हुण आपां ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ।